नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बार फिर चुनाव आ गए हैं, अब विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी कि अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा देश है भारत, ये उत्सव त्यौहार और मेलों का देश है और इन्हीं उत्सव त्यौहारों और मेलों के अंदर एक उत्सव, एक त्यौहार, एक मेला लगता है चुनाव का। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर कहने को कहें कि 5 साल में चुनाव होते हैं तो फिर ऐसा लगे कि शायद एक बार 5 साल में चुनाव होंगे, लेकिन ये पंचवर्षीय जो चुनाव होते हैं ये हर साल आ जाते हैं, हर 6ठे महीने में आ जाते हैं। कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी नगर परिषद, नगर निकाय, लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता है, कभी पंचायतों का चुनाव होता है, फिर कभी उपचुनाव होता है। यानी कि चुनाव दर चुनाव दर चुनाव दर चुनाव चलता रहता है। अभी हाल ही में पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा में भी चुनाव हुआ और अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव तो महाराष्ट्र का भी होना है, चुनाव झारखंड का भी होना है, लेकिन क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो चुनाव हरियाणा विधानसभा का भी होना है। यानी कि लोकसभा की चुनाव की खुमारी अभी पूरी तरह टूटी नहीं है कि लोगों पर विधानसभा चुनाव का नशा छाने लगा है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे को लेकर हूं जो गाहे बगाहे आपके सामने जरूर आता होगा। मुद्दा यह है कि चुनाव के दौरान में जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, और राजनेता जो जिस पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, जिस राजनीतिक दल में हुआ करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी माँ कहा करते हैं। कहते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी जो है, पार्टी माँ से भी बढ़कर है। संगठन को बताया करते हैं कि संगठन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। लेकिन इस सब के बावजूद जब दोस्तों चुनाव आता है तो क्योंकि अभी मैंने बताया आपको लोकसभा का चुनाव अभी गया और विधानसभा का सिर पर आ गया है, तो यादें सारी ताजा होंगी कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव में क्या होना है, लोकसभा चुनाव के अंदर कौन से नेताओं ने कहां कहां पलटी मारी और कुछ ऐसे भी जो बिना पलटी मारे झूलते रहे, और विधानसभा चुनाव में कौन पलटी मार सकते हैं या कौन फिर झूलेंगे झुलाएंगे। सारी बात इसलिए करनी पड़ रही है आपसे आज क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके सामने कई बार ये बात जरूर आती होगी। जब राजनीतिक दलों से नेताओं को टिकट मिलता है तो फिर उस समय और जब तक टिकट बढ़ता नहीं है, यानी कि टिकट मिलने से पहले वो नेता ये कहा करते हैं कि हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, ये हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है। जिस राजनीतिक पार्टी को वो माँ और माँ से बढ़कर कहते हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता तो फिर वो उसी माँ का, अगर मैं एक शब्द आपसे कह रहा हूँ आप उसको अन्यथा ना लें, कि उसी माँ का, यानी कि जिस राजनीतिक दल को वो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो माँ का दर्जा दे रहे होते हैं, उसी माँ का चीर हरण करने को उतारू हो जाते हैं। जब टिकट नहीं मिलता तो उसके अंदर तमाम कमियाँ निकालनी शुरू हो जाती हैं कि ये है वो है। जब उनको टिकट नहीं मिलता तो फिर उसके बाद में शुरू होता है गठजोड़ का सिलसिला। कुछ लोग तो चुनाव मैदान में आ जाते हैं, वहां तक भी ठीक है जो चुनाव मैदान में आ गए, लेकिन कुछ लोग चुनाव मैदान में आए बिना ही खेल खेलते हैं, जैसे शतरंज की बिसात हुआ करती है। और शतरंज की बिसात पे कई बार प्यादे से रानी को चेकमेट करा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऊंट की ढाई चाल ऐसी चलती हैं कि ऊंट की ढाई चाल के सामने उनके जो राजा और रानी एक तरह से सरेंडर हो जाते हैं, यानी कि चेकमेट हो जाते हैं, निशाना चल जाता सीधा राजा रानी पर। मैंने आपको बताया कई बार प्यादों से ही रानी को चेकमेट करा दिया जाता है। शतरंज के खेल की तरह बिल्कुल होता है चुनाव का खेल जो मैं आपको बता रहा हूं। कि एक तो वो होता है कि जब तक टिकट नहीं मिला पॉलिटिकल पार्टी का तो फिर तब तक पार्टी माँ है। जब टिकट नहीं मिलता और किसी और को मिल जाता है तो फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तमाम प्रकार की बातें होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि वो चुनाव मैदान में सामने दिखते हैं, तो कुछ लोग पर्दे के पीछे का खेल शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में वो बात आ जाती है कि जो चुनाव लड़ने वाले नेता होते हैं वो दूसरी पार्टियों के अंदर अपनी सेटिंग बिठाते हैं, उनके अंदर मांडवाली होती है। अगर कोई बड़ा चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो विधानसभा की मांडवाली करता है, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले नगर निगम और नगर परिषदों की मांडवाली करते हैं, सरपंचों की, जिला परिषदों की,
उनके साथ में सेटिंग की जाती है, भाई देखो तुम हमारा साथ दो, और यहीं पर ही वो शुरू हो जाता है राजनीति का वो काला अध्याय, राजनीति का, पॉलिटिक्स का एक जो एक ऐसा पहलू जिससे कि आदमी कई बार बड़े बड़े किरदार उसके आगे ध्वस्त हो जाते हैं। अभी आपने देखा पूरे हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, और आपने इस लोकसभा चुनाव में तमाम बड़े छोटे चेहरों को देखा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, हम इस वीडियो में किसी भी नेता का आपके सामने नाम नहीं लेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो दूसरी और पार्टियों के लोग हों, खासकर अगर बात हम कर लें इंडियन नेशनल लोकदल की, जननायक जनता पार्टी की, इन दोनों पार्टियों को तो आप ये मान लें JJP और इंडियन नेशनल लोकदल कि इनकी सभाओं में जितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब इनके नेता पहुंचते हैं तो आप माने कि विधानसभा में तो उतने कार्यकर्ताओं के बराबर भी कैंडिडेटों को वोट नहीं मिले। आप चाहे फरीदाबाद को ही गिन लें, सुनील तेवतिया लोकदल के कैंडिडेट थे NLO के और JJP के कैंडिडेट थे नलिन हुड्डा, विधानसभा वाइज अगर उनके वोटों की गिनती करें तो फिर ये दोनों पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेता आ चुके हैं फरीदाबाद के अंदर, जितने लोग इनके साथ इनके कार्यकर्ता सम्मेलनों में गए अगर इतने ही लोग अगर वोट दे देते पार्टी के प्रत्याशी को तो फिर उनका जो सम्मानजनक वोट उनको हर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ते। कार्यकर्ता अपने नेता की हाजिरी मारने तो जाते हैं लेकिन चुनाव में उन्होंने, मैंने ऐसे कई नेता देखे, कई पॉलिटिशियन थे खासकर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के, बात आपसे कांग्रेस BJP की भी करूंगा, और फरीदाबाद का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं NLO और JJP का, जो मैंने कई नेता देखे कि जो अपनी मूल पार्टी में बने हुए थे, मूल पार्टी में बने हुए हैं आज भी, लेकिन कोई तो उनमें से कांग्रेस के कार्य प्रत्याशी के लिए काम कर रहा था, कोई उनमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहा था, झंडे तो हरे और हरे पीले ले रखे थे, अपने झंडा डंडा थाम रखा था, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए उनके पास दिलवाने के लिए कस्मे वादों के लिए अपने पर्सनल वोट तो दे दिए होंगे लेकिन ना उनके पास कोई नीति थी, ना नियम था, ना कार्यक्रम था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति का वो अध्याय जिसके सामने की तमाम कुटिल नीतियां भी फेलियर हो जाती हैं। अगर बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी कर लें तो इन दोनों राजनीतिक दलों के अंदर, दोनों बड़े पार्टीज के अंदर, मैं पूरे हरियाणा की बात आपसे कर रहा हूं अब, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और JJP का मैंने उदाहरण केवल आपको फरीदाबाद का दिया, अब मैं दोनों पार्टी जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, बात इसमें आम आदमी पार्टी की भी होगी, आम आदमी पार्टी के एक कुरुक्षेत्र लोकसभा पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन बाकी सीटों पर जो इनके नेता और कार्यकर्ता थे वो कितनी ईमानदारी से कांग्रेस के साथ रहे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा थी, इंडिया गठबंधन का, ये जवाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद दे सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता थे उनके समर्थन में अनुराग ढांडा से लेकर तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर उंगलियां उठाई। अब बाकी के अन्य जो पूरे हरियाणा की लोकसभा सीटों की आपसे बात कर लें तो फिर चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ भिवानी हो, और चाहे वो कुरुक्षेत्र करनाल और हिसार की सीटें हों, दोनों पार्टियों की आपसे बात कर लें कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, जो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी जो, क्योंकि स्थानीय उनके मुद्दे थे, स्थानीय उनकी बात थी, कहीं सांसद कैंडिडेट से कोई खटपट थी, कहीं वो खुद कैंडिडेट थे, आप छोटे और बड़े नाम कोई भी आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में वो नेता भी आत्ममंथन कर लें भले ही खुद, और फिर उन पार्टियों के कार्यकर्ता, वहां के राजनीतिक विश्लेषक, वहां की आम जनता खूब अच्छे से देख सकते हैं, चाहे लोकसभा सीट कोई भी रही हो। इवन आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष बदलने पड़े बाद में, और उनकी शिकायतें गई, उनके जो कैंडिडेट थे, चाहे वो सिरसा के थे, चाहे वो हिसार के थे, चाहे वो, इतना ही नहीं, करनाल के कैंडिडेट ने भी, जो करनाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, करनाल लोकसभा के बहुत हैवी वेट नेता, उनको भी शिकायत करनी पड़ी कि पार्टी के अंदर कहीं जयचंद हैं। और उसके बाद में क्या चलता है आपके देखिए खेल, कि जो भारतीय जनता पार्टी में अगर मान लिया
कि हम आपने उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो ढूंढेगा कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन जयचंद हैं, और अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो फिर ढूंढेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने दोगले लोग हैं, वो मेरे साथ कौन कौन आ सकते हैं। और जो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो गेम एक खेल शुरू होता है कि अपनी पार्टी को माँ कहने वाले लोग, जो राजनीतिक राजनेता ये कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, माँ का मतलब जननी यानी कि जन्म देने वाली, माँ का दर्जा खाली माँ कहना तो आसान है लेकिन जो माँ का दर्जा है वो बहुत बड़ा है। जो पार्टी को माँ का दर्जा देते हैं और उसके बाद में जब शुरू होता है खेल राजनीति का, और राजनीति की जो बिसात है मैंने आपको बताया शतरंज और चौसर से भी खतरनाक बिसात है। आपको ध्यान करें जब चौसर की बात आ जाती है तो महाभारत का वो दौर याद आ जाता है, और उससे बड़ी राजनीति कभी आज तक दुनिया के अंदर हुई नहीं जो राजनीति महाभारत के अंदर थी। खैर, मैं आपको बता रहा था कि अब मान लीजिए कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कोई हैं, जो भी हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बाद में आ जाता है केवल अपना चुनाव जीतना। और सामने मान लिया, मैंने आपको दो तो पार्टियों का नाम लिया था, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने है कांग्रेस के लोग, फिर कांग्रेस के लोगों में सबसे पहले ये होगा कि जो मान लिया हमने लोकसभा चुनाव कोई उदाहरण बनाया कि जो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे उनको अगर टिकट नहीं मिला तो वो तमाम प्रकार के आरोप वारोप लगाते लुभते हुए अगर पार्टी में जमे भी रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो सारा खेल चलेगा, अपने लोगों को दूसरे कैंडिडेट के पास भेजना, अपने समर्थकों को दूसरे जो उनका राइवल कैंडिडेट हो सकता था उसके लिए उसके समर्थन में भूमिका तैयार करना, उनके लिए जमीन तैयार करना, उनके लिए प्रत्यक्ष तो प्रचार होगा नहीं लेकिन परोक्ष रूप से वो सब कुछ किया जाएगा जो उनकी पार्टी के लोग नहीं कर रहे होंगे। और बदले में क्या होता है, बदले में जो जयचंद तैयार किए जाते हैं फिर उनके साथ में कस्मे वादे होते हैं कि आप मेरी मदद कर दो मैं आपकी मदद कर दूंगा, यानी कि राजनीति का एक जो कुत्सित चेहरा इसे आप मान सकते हैं, राजनीति का एक वो चेहरा जिसके अंदर की तमाम प्रकार की मर्यादाएं, तमाम प्रकार के नियम, तमाम प्रकार की आस्थाएं निष्ठाएं सब दम तोड़ जाती हैं। और इस सब के पीछे होता है कि जो एक उभरते हुए जो लोग होते हैं उनकी राजनीतिक बलि हो जाती है, और ये इस प्रकार का एक मुद्दा है, ये गाये बगाये सभी के सामने होता है, और ये तमाम राजनीतिक दलों के अंदर वो चाहे कोई पक्ष के लोग हों उन सभी के अंदर इस प्रकार के दोगले और जयचंद तैयार किए जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति का इससे कुत्सित रूप भी कोई और हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जो पार्टी को माँ और जननी कहने वाले लोग होते हैं आखिर कैसे एकदम से अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसी का चीरहरण करने में लग जाते हैं? और क्या राजनीति का ये जो कुत्सित चेहरा है क्या इसके परिणाम उस क्षेत्र की जनता के लिए भी दुश्वर होते हैं जहाँ के लोग इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।